सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मस्तीचक गांव में आपसी विवाद को लेकर एक किशोर की चाकू से गोद गोद कर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हालांकि उस दौरान उसे चाकू घूंपने वाला किशोर मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बच गया, जिसका उपचार चल रहा है। सूचना के बाद दरियापुर व परसा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना के संबंध में जांच कर रही है। मृत किशोर दरियापुर थाना क्षेत्र के मस्तीचक गांव निवासी मोहम्मद हफीजुल्ला अंसारी का 12 वर्षीय पुत्र तौसीफ हफीज अंसारी उर्फ रेहान बताया गया है। वहीं कथित हत्यारा दरियापुर थाना क्षेत्र के नसुचक गांव निवासी बदरुद्दीन का 13 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सिमाब बताया जाता है। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि मस्तीचक गांव में ट्यूशन पढ़कर निकलने के दौरान देर शाम दोनों छात्रों के बीच विवाद में मारपीट हुई। उसी दौरान सिमाब ने प्लानिंग के तहत रेहान के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। देखते ही देखते रेहान जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, जिसके बाद स्थानीय लोग तथा परिजन उसे उठाकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसा पहुँचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चाकूबाजी की इस घटना के बाद ग्रामीणों तथा परिजनों ने सिमाब को पकड़ लिया और आक्रोशित भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। हालांकि मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते वह बच गया। इस घटना की सूचना के बाद दरियापुर थाना पुलिस मस्तीचक पहुंची तथा हमलावर को पहले इलाज के लिए दरियापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहाँ उपचार कराकर हिरासत में लेकर उसे पूछताछ कर रही है। समाचार प्रेषण तक परिजनों से पूछताछ जारी थी। वहीं शव का पंचनामा किए जाने के बाद पोस्टमार्टम के भेजने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। इस घटना के बाद गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों ही किशोर हैं और एक साथ कोचिंग में पढ़ते थे। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। मृत्यु हुई यहाँ बच्चा के, वो आपके कौन लगते हैं? वो हमारे भतीजा है। आपका क्या नाम हुआ? मुजीबुल्ला अंसारी, अच्छा लाल बाबू लोग बोलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मुजीबुल्ला अंसारी। अच्छा, ये घटना कैसे घटी है? देखिए, ये घटना कैसे घटाई तो हमको ही मालूम नहीं है। हम लोग आए हैं, देखे पता चला है कि हाँ यहाँ पर छुरी मार दिया बच्चा को, तो हम लोग आए हैं तो देखें कि यह बच्चा पड़ा हुआ है जी, ठीक है। उसके बाद में उसको हम लोग मोटरसाइकिल पर ले गए हैं, उठाए हैं, लेकर के हॉस्पिटल गए। कौन जगह ले गए हॉस्पिटल? गए सदर अस्पताल में ले गए पर्चा। अच्छा, उसके बाद पुलिस उसके सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दिया गया है। पुलिस आया है, जो मर्डर किया था, हाँ, छुरी मारा है, उसको पुलिस उठा करके ले गई। पीछे